You never break, you never lie. I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. लसुनी पालक पनीर बना रहा हूँ आज। अभी ये जो पालक पनीर है इसमें गार्लिक का बहुत ही अमेजिंग एक्स्ट्रा वाला फ्लेवर होता है और रेस्टोरेंट्स में भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बार ऑर्डर की जाती है। बहुत सिंपल रेसिपी है, पालक को एकदम वो हरा कलर भी कैसा है, ब्लांच करके कैसे पकाना है वो बताने वाला हूँ। साथ ही में गार्लिक को फ्राई करके इसमें ऐड किया जाता है, पूरा पूरा गार्लिक डालते हैं और बहुत ही डिलिशियस सा फ्लेवर आता है। और ये वाली रेसिपी आप अगर सीख जाएंगे तो आप लहसुनी पालक भी बना सकते हो बिना पनीर के, या कोई दूसरी वेजिटेबल्स भी डालकर ये सेम रेसिपी बना सकते हो। बहुत ही आसान और डिलिशियस रेसिपी है। लहसुनी पालक पनीर बनती कैसी है देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बंच यानी 250 ग्राम पालक ले लिए जिसे साफ कर क्लीन किया हुआ है। इसे अभी ब्लांच करने के लिए एक बर्तन में पानी को एक रोरिंग बॉयल पे ले आइए। फिर उसमें एक चुटकी भर नमक ऐड करके ये पालक को ऐड कर दीजिए। पालक को डिप करके बस 10 से 15 सेकंड्स के लिए आपको पानी के अंदर रहने देना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। एक बार 10 से 15 सेकंड के लिए पालक को आपने डिप करके रखा है पानी में, उसको निकाल दीजिए और इमिजिएटली आइस कोल्ड पानी में डालकर इसको शॉक देना है, एक टेम्परेचर शॉक देना है। इससे पालक में बहुत अमेजिंग वो ब्राइट ग्रीन कलर आ जाता है। तो ये पालक ठंडी हो चुकी है, अब इसे निकाल कर हल्का सा स्क्वीज कर लीजिए कि एक्सेस जो मॉइस्चर है इसमें से निकल जाए। अब इस पालक को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर दीजिए। थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया, साथ ही में 12 से 15 पुदीने के पत्ते, 3 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हो हमारी पालक की जो प्योरे है वो रेडी हो गई। तो पालक को जो ब्लांच करने का प्रोसेस है वो इस तरीके की रेसिपीज़ बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे एक तो ब्राइट ग्रीन कलर आ जाता है जब आप पालक को एकदम गरम गरम पानी में डालकर टेम्परेचर शॉक देते हो आइस कोल्ड पानी के अंदर, तो एकदम ब्राइट ग्रीन कलर आ जाता है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, पालक और साफ़ हो जाती है गरम गरम पानी में डालो नमक के साथ, तो पालक पे अगर कुछ लगाओ तो वो भी निकल जाएगा, तो एकदम पालक आपकी साफ़ भी हो जाएगी। तो एक बार आपने पेस्ट बना ली, ये पेस्ट यूज़ करके आप पालक पनीर, लहसुनी पालक या पालक की और डिशेस भी बना सकते हो। मैं तो सूप भी बनाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, उसकी रेसिपी भी पहले शेयर कर चुका हूँ। तो अभी आगे पालक पनीर बना रहे हैं हम लहसुनी वाला, उसका आगे का प्रोसेस क्या है, पनीर को फ्राई करना है वो देख लेते हैं। पनीर को फ्राई करने के लिए एक पैन को हाई फ्लेम पर गर्म कर लीजिए, फिर 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसके अंदर 500 ग्राम मैंने आधा किलो पनीर लिया है, इसे क्यूब्स में कट करके उसे ऐड कर दीजिए। पनीर को ऐड करके इस तरीके से आपको शैलो फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन रंग का नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं कर देना है, बहुत ज़्यादा समय तक फ्राई नहीं करना है, नहीं तो पनीर ड्राई हो जाता है। तो आप देख सकते हो जब एक साइड से ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इस तरीके से इसे फ्लिप करके दूसरे साइड से भी फ्राई कर रहा हूँ। बस इसी तरीके से आपको पनीर को फ्राई कर लेना है। अब देख सकते हो पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, इसे साइड में आपको निकाल कर रख देना। अब एक बर्तन लेकर उसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड करना है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर 18 से 20 लहसुन की कलियाँ मैंने इस तरीके से आधे में कट कर लिए, बस 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिए इन कलियों को, उन्हें ऐड कर दिया है। अब इस लहसुन को आपको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो लहसुन जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन रंग का हो जाए। अभी इसे आपको निकाल कर अच्छे से छान लेना है, छान कर फ्राई की हुई लहसुन की कलियों को अलग से रख देना है। और ये जो ऑयल है इसमें गार्लिक का बहुत फ्लेवर है तो इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे आगे, तो इसे बर्तन में डाल दीजिए। साथ ही में 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कीजिए। तेल और घी एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 मोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1/2 इंच दालचीनी और 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दीजिए। अब प्याज को आपको मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। अच्छे से भून लीजिए प्याज को। प्याज एक बार लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून रफली चॉप्ड गार्लिक ऐड करना है। गार्लिक आपने देखा और एक स्टेज पे मैंने ऐड किया है, गार्लिक को भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से आपको भून लेना है। गार्लिक को आपने भून लिया है तब उसके बाद फ्लेम को लो करके 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च,
एक टेबलस्पून धनिया पाउडर और एक टीस्पून जीरा पाउडर डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कीजिए ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं और मसालों को भूनने का हमको थोड़ा सा वक्त मिल जाए। बस मसालों को यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट तक आपको भून लेना है। मसाले एक बार आपके भून जाए तब इसमें 2 चॉप किए हुए टमाटर ऐड कीजिए और साथ ही में थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। टमाटरों को आपको अभी अच्छे से पका लेना है जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छे से गल नहीं जाते। इस प्रोसेस के दौरान अगर मसाला आपका थोड़ा सा थिक हो जाए तो हल्का सा गर्म पानी डालकर आप फर्दर कुक कर सकते हैं। टमाटरों को अब अच्छे से आपको पका कर गला लेना। तो आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और तेल भी जो है वो अलग हो चुका है। इस स्टेज पर जो हमने पालक की प्योरे बनाई थी वो ऐड कर दीजिए और अच्छे से आप स्टर करके मिला लीजिए। अब मीडियम फ्लेम पर आपको अच्छे से 8 से 10 मिनट के लिए इस पालक के प्योरे को भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेना। तो स्टर करके अच्छे से पालक के प्योरे को पका लीजिए। अभी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने अच्छे से पालक को पका लिया है। अब जो गार्लिक को हमने फ्राई किया था वो इसमें ऐड कर दीजिए, साथ ही में 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या घर वाली जो मलाई होती है वो ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। यहाँ पर आपको बस 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। इस स्टेज पर इस पालक को आप इसी तरीके से सर्व भी कर सकते हैं। आपका लहसुनी पालक जो है वो रेडी हो गया है, बट हम लहसुनी पालक पनीर बना रहे हैं। इसके लिए जो हमने फ्राई किया हुआ पनीर रखा था साइड पर, आपको उसे ऐड कर देना है। फिर इसमें 1 चुटकी भर ग्रेटेड जायफल ऐड करना है। जायफल जो है पालक के साथ बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में 1/2 नींबू का रस आपको इसमें ऐड कर देना है और एकदम लाइट हाथों से इसे स्टर कर लेना है। और आप देख सकते हो हमारा लहसुनी पालक पनीर रेडी हो गया है, लेट्स प्लेटेड वाइफल स्टाइल। Need you here more than I would like to admit. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over. Yeah, you never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. तो ये जो लहसुनी पालक पनीर आज बना है इतना जबरदस्त बनता है, और साथ में जो ऊपर से तड़का डाला और उसमें भी लहसुन डाला, लहसुन 3 स्टेजेस में गया इस रेसिपी में, और वो जो लहसुन का फ्लेवर है मज़ा आ जाता है रेसिपी खाने में। ज़रूर ट्राई करो अपने घर पे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल लहसुनी पालक पनीर रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।